धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शर्मा इंसान तो गवाल से भजन सुना रहे जी। जो भी साथ संगत पंडाल से बाहर है कृपया जल्दी से आप मजलिस पंडाल में आकर बैठे, और जो बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपने अपनी जगह पर बैठ जाएं। सभी सरकार में नारा बोल रहे हैं सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी कर्मा इंसान तो गवाल से भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बंदा होके ना जे नाम ते आया, बंदा होके ना बंदा होके ना जे नाम ते आया, बंदा होके ना जे नाम ते आया, ते बंदा ओ केड़े कम दा प्यारिया प्यारिया, ओ बेड़ा बंग परशुआं दे है गुजारिया।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो, दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो, कर भूला सारा माल लुटाया है, जो व्यापार करने आए उसको ना बुलाया करो, काम न आएगी पाप जुलुम दिन होए ना इकट्ठी, साथ किसे न जाएगी, लग माया पीछे जी न जन्म गवाया करो, मन की यहां धुलती है नाम दवा से मोक्ष होती, जो सत्संग में मिलती है नाम साबुन लगा करके मन साफ बनाया करो, ऊंचा सत्संग हरि का नाम है, सब धामों से उत्तम ऊंचा सत्संग तीर्थ धाम है, शास्त्र नाम जी शास्त्र नाम जी कहते हैं इस तीर्थ पे नहाया करो,
तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिकी साजन बाजी प्यारी सत्संग जियो, सत्संग में जीव चल के आए, सुने और अमल कमाए। हो नहीं सकता कि उसको कोई गम चिंता परेशानी तंग कर दे। बात सुन के अमल करने की है। जो रोजाना मालिक का नाम जपा करते हैं, रोजाना सत्संग ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर की भक्ति में समय लगाया करते हैं, आप उनको देखिए, उनका चेहरा हमेशा खिला रहता है, नूर से भरा रहता है। पर बात है उनकी, जो सत्संग में आते हैं और सुन के अमल कमाते हैं। हर किसी के साथ ये होना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान जब अमल नहीं करता तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, ये सातों का चक्र भी और टाइट हो जाता है। सत्संग सुना चला गया और जाके वही मन के खेल खिलौने, वही आदि मन का, वही बुराइयां, वही सोच, अमल करना नहीं तो फिर वो तमाम खुशियां नहीं मिलती, वो नूर नहीं आता जो आना चाहिए, जिससे आदमी का चेहरा नूरो नूर हो जाना चाहिए। तो अपने अंत्यकरण की सफाई करनी होगी, और अंत्यकरण की सफाई के लिए सत्संग में आके अमल करना जरूरी है। सत्संग सुना और ये कहा गया कि नाम जपो, तो नाम जपो तभी मन काबू आएगा। मन तो बिगड़ेल, बड़ा ही बिगड़ेल घोड़ा है, ये किसी के काबू नहीं आता। जंगली घोड़े जो होते हैं वो जल्दी से किसी के काबू नहीं आते, शेर तक से भी डरते नहीं और उनसे घबराते नहीं, क्योंकि वो काबू ही नहीं आते। इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है उनमें। तो मन तो उनसे भी अरबों गुना ज्यादा बिगड़ैल और जंगली है। इसका काम तो इंसान को बस एक ही काम है, गुमराह करना। जैसे किस किस का उदाहरण दें, कोई भी अच्छा साज बजाता है इंसान, तो वो सीखता है, पहले रियाज करता है, सारा ध्यान सारा कंसंट्रेट अपने उन साजों पे, उस पे रियाज करता रहता है, तो नई नई चीजें बाहर आती रहती हैं और वो मास्टर बनता जाता है। कोई गाता है, कोई लिखता है, तो रियाज जरूरी है हर चीज के लिए। इंसान जो जो रियाज करता जाता है आगे बढ़ता जाता है। अकाउंटेंट सारा टाइम हिसाब किताब, कहीं ये कमी ना रहे, वो कमी ना रहे, फलां दिकड़, सो उसी में लगे रहते हैं। एडवोकेट या जो भी जिनका पेशा है, जिम्मेदार, सारा दिन फसल का ख्याल रखते हैं, तभी फसल फलती फूलती है। तो उसी तरह मन बस एक ही ख्याल रखता है कि कोई मालिक की तरफ ना चला जाए, कोई राम की तरफ ना चला जाए। वो सारा दिन जोड़ तोड़ लगा ही रहता है आठों पैर कि भाई इसको तो फंसा के रखना है, इसको तो बस बात मिल जाए तो पकड़ ले और बस मचा दे शोर, उठा दे कर दे झंडा बुलंद। ये नहीं पता कि गर्त में जा रहा है, रस्ताल में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। पर उसको लगता नहीं, मन कहते ना तू तो सही है, बाकी सारी दुनिया गलत। मन कभी आदमी को खुद को गलत लगने ही नहीं देता, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मन कभी अच्छी सलाह दे। ये जितने भी अल्लाह वाहिगुरु राम की बात हो उसके उल्ट, संत मालिक की चर्चा करें उसके उल्ट, संत जीव के भले के लिए वचन करें उसके उल्ट, तो इसने
साइड लेनी है गंदगी, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, इसकी साइड मन ने लेनी। हाँ, ये सारा सही है। अरे जिंदगी बनी इसके लिए, मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या मिला जिंदगी में से? क्या खट लिया, क्या बना लिया, क्या मिल गया तुझे? अगर इन चीजों में ही मजा नहीं लिया तो बस जैसा आया वैसा चला गया, जिंदगी बर्बाद हो गई। क्यों नहीं समझाते ज्ञान से कि सारी दुनिया यही सब कुछ कर रही है, तो कौन सा तगमा मिल गया, कौन सा मेडल मिल गया? पर ना जी, मन के मारों का हाल बड़ा बुरा होता है, उनके चेहरे बुरी तरह से मुरझाए रहते हैं, बुरा हाल होता है। नूर नाम की कोई चीज नजदीक भी नहीं होती, क्योंकि उनका तो क्यों किंतु परंतु हर टाइम मीन में एक मन के हिसाब से निकालते रहना होता है, हर बात के लिए उनका मन उनको गुमराह करता है हर टाइम। और संत कभी ये नहीं कहते कि आप बुरे कर्म के लिए इधर भाग जाओ उधर भाग जाओ, वो तो हमेशा रोकते हैं, बुरे कर्म ना करो भाई, तो तंगी लगती है। मन कहता घुटन हो रही है, मुझे तो घुटन हो रही है, मैं बुराइयों में क्यों नहीं जा पा रहा, फला काम क्यों नहीं कर पा रहा? तो इसको जो घुटन होती है, कई लोग सुमन के द्वारा उस घुटन को दबा लेते हैं, वो मालिक के प्यारे बन जाते हैं, और कई लोग इस घुटन के आगे हथियार फेंक देते हैं, वो मन के मारे बन जाते हैं। हशर मन के मारों का बुरा, और जो मालिक के प्यारे हैं उनका तो दोनों जहां में जय जयकार, खुशियों से अंदर बाहर से लबरेज रहते हैं। तो इंसान को सुनो और मानो वाली बात अपनानी चाहिए, उसमें भला होता है, उसमें फायदा होता है। इंसान अगर मानेगा तो तमाम खुशियां मिलती हैं, और क्यों किंतु परंतु कर लिया तो भाई खुशियां और तो क्या मिलनी है, जो खुद की थोड़ी बहुत बनने वाली होती है वो भी चली जाती है। एक बार एक जाट जमींदार के पास एक फकीर आया और कहने लगा कि भाई मुझे पानी पीना है। वो जाट जमींदार बड़ा भला था कई मामलों में, तो उसने पानी नहीं, बैठो जी बैठो, संतों को चारपाई दी, खूब सेवा की, खाना खिलाया, पानी पिलाया, खीर हलवा जो भी बना सकते घरों में वो सब बना के दिया। तो संत बड़े खुश हुए, भाई मैंने तो पानी मांगा था। और जाट जमींदार कहने लगा मैं नहीं जाने देता आपको। कुछ दिन जाने नहीं दिया, खूब सेवा की, राम नाम की चर्चा सुनता रहा। तो संत बड़े खुश हुए, देखा गरीब सा है बेचारा, के कच्चा सा मकान है, तो एक मंत्र दिया कि ये मंत्र ले ले भाई, तो इसको मंत्र को पढ़ना, कह देना बन जा सोना, जो भी चीज लोहे की आप रखोगे तो हाथ में पकड़ लेना, वो सोना बन जाएगी, गोल्ड बन जाएगी। संतों ने सोचा इसकी गरीबी दूर हो जाएगी, कहता जी ठीक है। संत चले गए तो वो जो जाट था उसने सोचा चलो भाई अजमा के देखते हैं, गर्म मिजाज तो कहीं ना कहीं होते ही हैं, आजकल तो नहीं होना चाहिए, पहले तो क्योंकि सारा सारा दिन पशुओं के पीछे चलते रहना, पशुओं को गाली गलौज, आगे से पशु ने कौन सा बोलना है, चाहे वो ऊंट है चाहे बैल है। जब हल जोता करते थे जाट जमींदार, मतलब किसान, चाहे वो किसी भी धर्म जात मजहब से थे, तो वो गाड़ियां तो नेचुरली निकल, इधर ये तेरी की वो तेरे की, इतनी गाड़ियां होती गर्म मिजाज। तो वो जाट जमींदार ने सोचा दो चार दिन के बाद चलो यार आपस सोना बना लेते हैं। तो एक टुकड़ा लिया बड़ा सा लोहे का, बाट वगैरह जो भी हाथ में, मंत्र पड़े बन जा सोना, मंत्र पड़े बन जा सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, लगा रहा लगा रहा लगा रहा। थोड़ा सा तलखी पैदा होगी, यार ये कुछ करेगा क्या, आत्मा के दिन ही नहीं करेगा, संत अच्छे थे। फिर लगा रहा मन हावी होने लगा, कहते नहीं ना कुछ होने वाला नहीं है। आत्मा ने फिर भी दबी आवाज में कहा कि नहीं कुछ होगा। फिर लगा रहा मन पूरा हावी हो गया, बन जा सोना सोना, बन जा सोना, बन जा सोना, नहीं बने, कहता है पित्तल तो बन जा, वो पित्तल बन गया। भागा भागा संतों के पास गया, क्योंकि पास के दो चार गांव में संत गुरु के हुए थे। कहता गुरु जी ये मेरे साथ क्या किया, आपने तो मंत्र दिया था कि सोना बन जाए, ये तो पित्तल बन गया। कहते कैसे मंत्र पढ़ा था, कहते इतनी बार मंत्र पढ़ा, और जब मंत्र पढ़ के मुझे गुस्सा आ गया कि ये कुछ हो तो रहा नहीं, तो मैंने कह दिया बन जा सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। कहते ओ मूर्ख, बस एक बार और कह देता बन जा सोना तो तेरा सोना बन जाता। ऐसी एक बात और याद आई, कई बार हंसने में कई लोग सुनाते,
पर हकीकत है, कबीर जी के पास कोई गया, कहने लगा मैंने भगवान को जल्दी पाना है, क्योंकि आजकल शॉर्टकट का जमाना है, लोग कहते भगवान जेब में हो, निकालो अरे भगवान ये काम कर दे फिर जेब में। लोगों को ये है, कई तो सोते ही ऐसे ही हैं, सपने लेते रहते हैं, यार काश किसी को दिखूं ना, हर जगह मैं पहुंचूं, वहां क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, या रिमोट मेरे हाथ में हो, बस दबाऊं भगवान ये कर दे। अलादीन का चिराग वो कहानी है, लेकिन लोगों को लगता है हकीकत है, हर चीज प्रकट होके पैदा हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो ऐसे ही वो भगवान अल्लाह मालिक ईश्वर परमात्मा चर्चा करने के लिए वो कबीर जी के पास पहुंचा, तो कबीर जी कहने लगे ऐसे भक्ति करनी पड़ती है भाई, ऐसे दृढ़ विश्वास बनाना पड़ता है, अपनी सफाई करनी पड़ती है अंदर की। कहते ना जी मुझे तो कोई ऐसा रास्ता बता दो, हाथों हाथ मालिक का प्यार मिल जाए, घर में बरकत हो, घर में खुशियां हो। तो कबीर जी ने निगाह मारी कि ये तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है, इनके तो सारे ही लड़ाके हैं। तो कबीर जी ने कहा ये मानता तो है नहीं, चलो। कबीर जी कहने लगे ऐसे कर, मैं तुझे अभी दिखाता हूं भगवान जल्दी कैसे मिलते हैं। उसने कबीर जी ने अपने घरवाली को आवाज दिए, लोई इधर आ। कहती हां जी, कि 2 किलो घी का हलवा बना दे, बढ़िया चीनी डाल, सूजी डाल, आटा डाल, बढ़िया 2 किलो घी डाल दे, और पूरा घी की होना चाहिए। कहती जी सतवचन। घी डाल दिया, हलवा बन गया, तैयार हो गया, ले आई। कहते ऐसे कर लोई, जा बाहर से गोबर ले गया। कहती जी सतवचन। बाहर से गोबर ले आई। कहने लगा आप ऐसे कर, दोनों को मिक्स कर दे, दोनों को मिला दे, हलवे में गोबर मिला दे। कहती जी सतवचन। उसने हलवे में गोबर मिला दिया, सारा मिक्स कर दिया, लोही चली गई। चट कहता ये क्या किया है। कहता बस ऐसे कर ले, घर जाके भगवान मिल जाएगा। कहता ले ये तो बात ही कुछ नहीं। उसने घरवाली को जाजू के थोड़ा सा पहले समझाया कि जैसे मैं कहूंगा वैसे करना, घरवाला हो घरवाली हो आप समझते हैं ना, सारे हंस पड़े होती है सबके साथ, सबके साथ नहीं बहुतों के साथ, कहीं ना कहीं जिंदगी के किसी मरहले पे होता रहता है। तो उसने समझाया, पता ही था घरवाली कैसी है, चंदा चानन। सो समझा दिया कि मैं ऐसे करूंगा कुछ है, तो तू ना ना करना। कहती ठीक है। कहता है ऐसे कर, 2 किलो घी का हलवा बना दे। कहती जी किसी ने आना है अपने। कहने लगा तेरे को कहा था चुप रहे। तो कहती वो चुप तो ठीक है, 2 किलो घी का हलवा, कोई अपन 3-4 आदमी है घर में खाने वाले। कहता बस तेरे को बोला ना चुप रहे। तो उसने बेचारी ने ज्यों त्यों बड़ी मुश्किल से गाड़ियां निकालते हलवा बनाया। इसका दिमाग हिल गया, ये पागल है, हुआ क्या है इसको। तो फिर उसने कहा कि ऐसे कर, बाहर से गोबर लेके आ। कहती क्यों, सिर पे लगाना है, गुस्सा तो होता ही है, करना क्या है तूने गोबर। कहता तेरे को का चुप रहे। कहती अभी अभी मैं ये चबूतरा वगैरह सारा लेप कर चुकी हूं गाय के गोबर से, क्या खाना तूने। कहता तेरे को बोला चुप रहे, ले गया गोबर। बेचारी गाड़ियां निकालती गोबर ले आई। कहता अब ऐसे कर, ये जो हलवा है ये गोबर में मिला दे। बस जी, हम तो पंजाबी औरतों को देखा है, दोनों हाथ मर गई, भूल उठ गई, मेरे घर वाला तो पागल हो गया, बुरी तरह से छाती पीटे यूं, शोर मचाए, लोगों को बुलाए भी, मैं तो मर गई। वो बहुत शोर मचाए किसी तरह, मतलब तू चुप हो जा। कहती ऐसे चुप हो जा, इसका दिमाग हिल गया, किसी ने कुछ करवा दिया, इसके अंदर तो भूत कूद रहा है। तो भाई लोग आए, पकड़ लिया, रस्से से बांध लिया, उठा लिया, ऊंट गाड़ी जैसा होता था बैलगाड़ी बिठाया, अंदर लटा लिया। वो बहुत शोर मचाए, मैं नहीं पागल हूं। वो आदमी साथ वाले ऐसे होते, कहते पागल कभी कहता है मैं पागल हूं। पकड़ो गाड़ी, गोली निकाल के बिठा लिया, बांध के लट लिया। इतने में कबीर जी जानी जान चल पड़ा रास्ते में। कबीर जी आगे, क्यों पगता, करने भगवान के दर्शन, जल्दी तो ऐसे होते हैं। हाथ जोड़ दिए, कहता हे भगवान, हे मेरे मालिक, मुझे छुड़वा ले, वहां जाके इंजेक्शन लगा दे देंगे, कोई शौक शुक लगा देंगे, अच्छा भला दिमाग है सारा हिल जाएगा।
मैंने नहीं जल्दी भगवान पाना, जैसे आप कहोगे वैसे ही पालूंगा। कबीर जी की बात मानते थे लोग। कबीर जी कहते रुको, गाड़ी रोक दी। कहते हाँ जी हाँ जी। कहते इसको खोलो, खोल दिया। कहते हाँ भक्त जी कैसे हो? क्या ठीक? कहते इसका कोई दिमाग तो मुंग नहीं हिला, ये तो भगवान को जल्दी पाना चाहता था, उसमें गड़बड़ कर गया। तो गोबर हलवे में मिलाना पड़ता है, मतलब आपका मन हलवा है। और संत पीर फकीर कहते वचन वो लगते हैं गोबर की तरह, जो मन के हावी हैं, तो उनको मन में गोबर मिलाना पड़ता है, तो अमृत बन जाता है, तो आबो हयात बन जाता है। नहीं यहां तो बात बात पे क्यों किंतु है, ये कह दिया इधर मत देख, क्यों नहीं देखना, आंखें हैं, देख जो मर्जी कर, तेरी मर्जी, मैं नहीं मिलाता हलवा। सो कहने का मतलब जरा सी कोई बात कह दो, पूंछ जो की यूं। और जब परेशानियां आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, पहाड़ जैसे कर्म झेलने पड़ते हैं, तब चिल्लाते हैं ये ऐसे क्यों हुआ। और मौके पे फकीर की बात को सुनना नहीं, मानना नहीं, अमल करना नहीं। तो संत कभी गुस्सा नहीं होते कि मेरी बात मानते क्यों नहीं, उनको तो कोई गाली निकाले तो नहीं गुस्से होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसा करेगा, कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों भया उदास। करने तो जो कोई करता अपने आप भरता रहेगा, क्योंकि कर्म भूमि है ये, जैसा कोई करेगा भरेगा 100%। इसलिए संत तो आगाह करते हैं, रोकते हैं कि मत कर ऐसे कर्म, वरना भोगना पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मर्जी इंसान की, वो सुन के मान ले तो बढ़िया है। और भाई ये हर घर में होना ही चाहिए, आपस में इतनी समझदारी, इतना तालमेल कि एक दूसरे से प्यार हो, वो घर स्वर्ग से बढ़ के बन जाता है। यहां कबीर जी ने जैसे बताया कि आगे से हाँ जी होती रहे, इतना एक दूसरे पे दृढ़ यकीन हो, चाहे वो पति या चाहे पत्नी या माँ बाप या बच्चे, कि हाँ भाई मेरा पति या मेरी पत्नी सही करेगी, गलत नहीं करेगी। इतना अच्छा दृढ़ विश्वास हो, एक दूसरे पे यकीन हो, तो घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते। वरना बात बात पे किरकिर किरकिर झगड़ा, वो कहता है ये कर दे क्यों कर दूं, वो कर दे क्यों कर दूं, दोनों में झगड़ा। फिर दूसरा कहता है कि तू कर दे, कहता मैं क्यों कर दूं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझदारी, समझदारी की अति जरूरत है, और एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास होना भी अति जरूरी है। यहां आपस में प्यार होता है, वहीं बरकतें होती हैं, और वहीं अल्लाह राम मालिक रहा करते हैं। सो निस्वार्थ भावना से बेगरज मोहब्बत करो, जो रिश्ते आपके हैं उनके प्रति वफादार रहो, और प्रभु का सुमरण करते रहो, मालिक से मालिक को मांगते रहो, तो यकीनन मालिक कमी नहीं छोड़ते। वचन सुन के जो माना करते हैं, अमल कर लिया करते हैं बिना चूं चरा के, उनके चाहे किसी भी स्टेज पे कैंसर भयानक महाकर्म क्यों ना हो, दृढ़ विश्वास हो, सुमरण करे और दृढ़ यकीन के साथ संतों के वचनों को तुरंत फुरंत मान ले, अरे पल में ऐसी बीमारियां उड़ जाया करती हैं। बात वचन मानने की है, उस जिम्मेदार के घरवाले की तरह नहीं, क्यों ले आऊं मैं, क्या बनाना है, क्यों बनाऊं, किस लिए बनाऊं, कौन आ रहा है, क्यों बनाऊं मैं हलवा, मतलब वो एक उदाहरण है कि क्यों किंतु परंतु ये वो फला धिंकड़ काटते रहना, वचनों को काटते रहना। फिर एक दिन आता है जब कर्मों की मार पड़ती है, फिर पड़ती ही चली जाती है। शात्राना चालें, और वो भी मालिक के प्यारों से, कोई भी जीव चलता है, कितनी भी जिंदगी में तरक्की करे, हो सकता है एकदम कुछ ऐसा हो कि वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए कभी भी मन की चालों में ना चलो, पीर फकीर कहें उसके ऊपर अमल करो, यकीनन दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाओगे, बीमारियां दूर होती जाएंगी, गम चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आत्मबल आएगा, विल पावर आएगी, और उसके सहारे आपको असीम शांति प्राप्त होगी, और असीम शांति जिनके पास है उनसे सुखी पूरी दुनिया का राजा भी नहीं हो सकता। तो विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और ये दीन दुखी मध्य बैंक में 21,770 रुपए जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 14 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं जी, नेत्रदान महादान। मरणोपरांत शरीरदान का पर्ण 13 मेंबर कर रहे हैं, वाह जी, शरीरदान भी महादान, और नियमित खूनदान का पर्ण 9 मेंबर कर रहे हैं, वाह बहुत बड़ी बात, शाबाश, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये नौजवान परिवार, नए नए
नित आयाम स्थापित कर रहे हैं, नई नई बुलंदियों को छू रहे हैं कि हमने अच्छे काम करने, अगर शादी हो रही है उसको एक यादगार बना देना है, ऐसी यादगार और किसी तरीके से नहीं बन सकती। शाबाश। सो लड़के का नाम ललित इंसान पुत्र सोहनलाल इंसान जी का, निवासी नरवाणा जिला जींद हरियाणा, लड़की अपने कॉलेज की एक स्टूडेंट है। आशीर्वाद। लड़की का नाम ललिता लतिका इंसान पुत्री प्रवीण कुमार इंसान जी की, निवासी शास्त्राम जी नगर सरसा जिला सरसा हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डाले। और प्यारी सत्संग जी, आपने देखा ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तुसी चार दुध नहीं पीता, बजा दो नाल बैठ के नीमिया पाक। चलो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद जी। तो आशीर्वाद बेटा। और आपने देखा विवाह शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन तन मन धन से दिन दुखी मद करना नहीं भूलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। लाइव मैसेज है प्रियंका इंसान एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। प्यारे पिताजी, आज मेरा 26वां जन्मदिन, आप जी के भजनों में चलने में सेवा सुमन के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ कि एक प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा आशीर्वाद, अच्छे नेक इंसान बनना, आगे बढ़ो, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं महावीर इंसान रियाद सऊदी अरब से, खड़े हो जाइए। प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते, दिन के मध्य बैंक में 5100 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। सो बेटा मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सुमन मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। सो आशीर्वाद, प्रसाद लेना, शाबाश, मालिक खुशी दे बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, बैठ जाइए। विदेश वापिस जाना हरप्रीत सिंह इंसान, हरप्रीत सिंह फिलीपाइंस। प्यारे पिताजी, आप जी के अच्छे स्वास्थ्य कामना करते, दिन के मध्य बैंक में 5100 रुपये जमा करवाते हैं। आशीर्वाद बचनों पे रहना बेटा, सुमन करते रहना, प्रसाद ले जाना, सारी सास संगत को भी देना, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। एमएसजी एडम में मिल लेना जी। पहली बार विदेश जाना अंकुर ऑकलैंड न्यूजीलैंड, और दिन के मध्य बैंक में 2700 रुपये जमा करवाए हैं जी। आशीर्वाद बेटा, बचनों पर रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, और एमएसजी एडम में मिलके जाना, प्रसाद लेके जाना, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, और घरों में खुशियां दे मालिक, रहमो करम से नवाजे, और जो भी दीन दुखी मदद करते हैं सो मालिक सेवा सिमरन सत्संग में उनका मन लगाए, खुशियां। दूर दराज से आए हैं जी जसपाल सिंह फौजी झांसी से, रवि चलाना सपरिवार बड़ौदरा गुजरात से, खड़े हो जाइए अगर आए। बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद प्रसाद ले लीजिएगा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, बैठ जाइए। श्री गंगानगर राजस्थान से आए हैं, इनके भाई ने छोड़ा छोड़ा परिवार, दोनों तरफ आए, खड़े हो जाएं। रामपुरिया हनुमानगढ़ से आए, इनकी माता ने चोला छोड़ा, आंखें दान की, आंखें दान महादान, और दिन के मध्य बैंक में 3700 रुपये जमा करवाए हैं, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो, ये तो मिट्टी है। आत्मा को मालिक जो त्यों निजधाम लेके जाते हैं, सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम भी जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाइए। तो जो भी सत्संग था आश्रम में, सत्संग में चल के आइए, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं जी। आया नुक शामदीद के दे, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा, उसके बाद जैसे आपका विचार, जाने का समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना सेवा करना आराम करना है, पर अभी थोड़ा समय इस प्यार मोहब्बत से सज रहिएगा, बैठे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।
कोई भी मिस्त्री भाई यहाँ पर बैठा है तो जल्दी सचखंड हाल में चले जाएं जी, जरूरी मीटिंग है। कोई भी मिस्त्री भाई, लकड़ी का, लोहे का, चिनाई का, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन कोई भी बैठा है यहाँ पर तो जल्दी से सचखंड हाल में चले जाएं। और जो पक्की समितियों के सेवादारों की मीटिंग अभी होगी, पक्की समिति के सभी सेवादार भाई और बहनों ने अभी यहाँ पर बैठे रहना है। जो पंडाल से बाहर है उन्होंने पंडाल में आ जाना है, पक्की समिति के जो भी सेवादार भाई या बहन है। और कल सत्संग ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। सत्संग के बाद पूजनीय गुरुजी नाम शब्द गुरु मंत्र देंगे और गुरु मंत्र के तुरंत बाद ही कल रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। आगे क्या आगे आपने बता भी देना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, एक जरूरी सूचना है, कृपया ध्यान से सुने। शाह सतनाम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिरसा में MBA का कोर्स करने वाले बच्चों के लिए लक्की चांस। साध संगत को आदरपूर्वक सूचित किया जाता है कि शाह सतनाम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सिरसा में सेशन 2011-12 के लिए 2 वर्षीय MBA कोर्स की कुछ और सीटें उपलब्ध हुई हैं जी। BA पास लड़के लड़कियां जिनके कम से कम 45% मार्क्स हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया यानी गोल्डन चांस है जी। MBA कोर्स ज्वाइन करने के लिए वे 31 अक्टूबर 2011 यानी सोमवार तक शास्त्राम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में सीधे संपर्क करें। यह संस्था शाह मस्ताना धाम के नजदीक शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल व कॉलेज की बिल्डिंग के साथ है जी। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 0166-238-605 और 0999-66-2865।